फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और देवीनाथ किचन में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पोहा के लड्डू। तो यहाँ पे ये जो बाउल है ना, इसी बाउल से मैंने दो बाउल जो है वो पोहा लिया हुआ है, और ये एक बाउल और उससे थोड़ा सा ही कम बस ये गुड़ लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे पोहे को बहुत अच्छे से स्लो फ्लेम पे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इस पर हम पोहा डाल देते हैं। पोहा को एक बार छलनी से आप लोग चाल लीजिएगा, जिससे अंदर उसमें जो थोड़े बारीक बारीक सा पाउडर होता है वो निकल जाए। अब हम इसको जो है थोड़ा अच्छे से इसको भून लेंगे। तो इसमें क्या होगा, पोहे का कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। जब हम इसको इस तरीके से ऐसे मस लेंगे ना, तो फिर ये अच्छे से जो है वो चूरा हो जाएगा। इतना तक हमको पोहे को भूनना है, और पोहे को ऐसे हाई फ्लेम पे करके छोड़ मत दीजिएगा, वरना पोहा अगर थोड़ा भी जल गया ना तो उसका स्वाद बहुत ख़राब आएगा, बिल्कुल जला जला सा आएगा। इसलिए इसको लगातार चलाते रहिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे 3 मिनट करीब इसको चलाते चलाते हो गया है। अब धीरे धीरे इसका कलर जो है ना वो चेंज होने लगा है, हल्की सी भुनने वाली खुशबू आने लगी है, पर अभी ये अच्छे से हुआ नहीं है। अच्छा, अगर आपको इसके साथ में मुरमुरे मिलाने हो ना, तो साथ में पोहे के साथ में आप थोड़ा पोर्शन जो है वो मुरमुरे का भी रख सकते हैं। तो दोनों के मिला के भी चूरा और मुरमुरे का लड्डू बन सकता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और चूड़े का लड्डू बनाते वक्त कई लोग जो हैं इसमें थोड़ी सी जो है वो अदरक भी डालते हैं, तो अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर लीजिए, मैं नहीं डालूँगी। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, और अभी 1.5 मिनट मैं इसको और भूनूँगी, फिर मैं इसे प्लेट में वापस शिफ्ट कर दूँगी। तो ये देखिए 1.5 मिनट भूनने के बाद में अभी ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसे जो है ना दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर देते हैं। तो अब उसी कढ़ाई में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच के करीब मैं इस पर घी डालूँगी। तो ये देखिए 1 चम्मच घी डाल दिया। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ को जो है ना आप छोटे छोटे अगर पीसेस में काट लेते हैं तो आपकी गैस जो है वो बहुत बच जाएगी, मतलब मेल्ट होने का जो टाइम है गुड़ का वो थोड़ा कम लगेगा, गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो बस हमें इतना ही करना है कि इसमें एक अच्छा सा ऊपर जो है वो जो एक झाग आती है वो आ जाए, और हम जब इसे पानी में डालें तो वो जमने वाली कंडीशन में आ जाए। हमें इसको बस इतना ही गुड़ को पकाना है, बहुत ज़्यादा डार्क हमें इसे नहीं करना है, नहीं तो लड्डू हमारे बहुत कड़े बनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक कटोरी में मैं थोड़ा सा इसको डाल के देखती हूँ, और आप देखिए ये जम जा रहा है बिल्कुल अच्छे से। तो इसका मतलब ये हो गया, गैस की फ्लेम हमें बंद कर देनी है, और फटाफट हम इस पर पोहे डालेंगे। तो पोहा हमने इस पर डाल दिया है, अब इसे मिला लेते हैं, और गरम गरम में ही हमको इसके लड्डू बनाने होंगे। तो पहले अच्छे से इसको मिला लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज में ये इतना गर्म है ना कि आप इसको हाथ से, तो मतलब मम्मी यहाँ लोग बनाती थी तो पता नहीं कैसे बनाती थी, तो मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ कि ये जो छोटे छोटे हमारे पास में जो स्टील की कटोरी होती है ना, तो बस उस पर एक कटोरी पे आप इस तरीके से इसको भर लीजिए। ये देखिए, और जो दूसरी कटोरी है वो इसको यहाँ पे लगा लीजिए, बीच में पकड़ लीजिए और इसको इस तरीके से हिला दीजिए, जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं ना वैसे ही। मैं आपको दिखाऊंगी अभी, बहुत इजी तरीका और आपका हाथ भी नहीं जलेगा। और ये देखिए कितना शानदार लड्डू बनके तैयार हो चुका है। इसे अलग करते हैं और एक और लड्डू बनाते हैं। इससे इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा बनाने का, लड्डू आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे, यकीन मानिए, और बहुत फटाफट लड्डू जो है ना वो बन जाएंगे। तो जिस भी साइज़ का आपको लड्डू बनाना है ना, उतना ही आप उसके अंदर भरिए,
बस बीच में पकड़ के ऐसे ऐसे हिला लीजिए। और ये देखिए लड्डू कितना सुंदर तैयार है बनके। तो इस तरीके से हम अपने सारे लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चूड़ा के लड्डू बनके हमारे बिल्कुल रेडी हैं। और देखा आपने, बिना हाथ जलाए हमने कितने मस्त तरीके से ये लड्डू बना के कंप्लीट कर लिए हैं। और अब देखिए, अगर बनाने के बाद, जब आप इसे बनाने के बाद प्लेट में रखते हैं ना, और ये अगर खुल जाते हैं तो डोंट वरी, उस समय लड्डू एकदम गर्म होते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद जब वो हल्के ठंडे हो जाते हैं तो आप इसको ऐसे ऐसे करके हाथ से हल्का सा दबा दीजिए, तो ये लड्डू बंध जाएंगे। तो मैं अभी आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही इजी है, टूट जाएगा और बहुत ही अच्छा बना है। तो आप लोग इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। संक्रांत है तो पोहे के लड्डू तो बनाए ही जाते हैं, तो बना के ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो बाजू में बेल आइकन होती है उसे दबाएँ और ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल पाए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।